मध्य प्रदेश शासन के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के उमरिया जिला प्रवास पर भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे के नेतृत्व में समस्त कार्यकर्ताओं ने स्वागत वंदन अभिनंदन कर जिले के विकास संबंधी एक ज्ञापन पत्र सौंपा। बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे ने मंत्री को बताया कि उमरिया जिले में अपार उद्योगों की संभावना है। मांग पत्र के माध्यम से कहा गया कि औद्योगिक क्षेत्र वीर सिंहपुर पाली में लगाने अतिरिक्त विद्युत इकाई लगाने से विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, साथ ही सीमेंट उद्योग स्थापित करने से रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। जिले के चंदिया तहसील क्षेत्र में मिट्टी के बर्तन, कलाकृतियां और खिलौने बनाने के लिए मिट्टी उद्योग के कारखाने लगाए जाए, जिससे क्षेत्रवासियों को रोजगार मिले। उमरिया जिला वनाच्छादित क्षेत्र है, अतः यहाँ पर बांस के बेंत से टोकरी, फर्नीचर, खिलौने, सजावटी सामग्री आदि बनाने का उद्योग भी खोला जाए, जिससे गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाए, क्योंकि जिले में विद्युत, कोयला, जल, जमीन और पर्याप्त मात्रा में श्रम की प्रचुरता है। भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने मंत्री महोदय के समक्ष अपनी बात रखी और शीघ्र उचित कदम उठाते हुए शासकीय स्तर पर अमली जामा पहनाए जाने की बात कही। इस दौरान मंत्री श्री सकलेजा ने आश्वासन दिया है और कहा है कि जो भी संभव होगा बेहतर प्रयास कर उमरिया जिले को और भी समृद्ध बनाया जाएगा। गौरतलब है कि इस दौरान मंत्री ने जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर आवश्यक चर्चा भी की। उक्त अवसर पर विधायक शिव नारायण सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता हरीश विश्वकर्मा, बीजेपी नेता व वरिष्ठ समाज सेवी दीपक छतवानी, जिला पंचायत सदस्य अर्जुन सिंह और श्याम, साथ ही में अरुण चतुर्वेदी, रामकेश वर्मा, नागेंद्र पटेल, मुकेश तिवारी, राजेंद्र कौल, राहुल गौतम, अतुल जैन, लक्ष्मण सिंह, श्रीधर राव सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी का बांधवगढ़ प्रवास हुआ था। बांधवगढ़ प्रवास के पश्चात वे उमरिया सर्किट हाउस आए और वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात की। इस दौरान मुझे उनको एक ज्ञापन पत्र देने का अवसर प्राप्त हुआ। उनमें मेरे द्वारा मांग रखी गई कि हमारे उमरिया जिले में उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। हमारे उमरिया जिले में कोयला, विद्युत, जल, जमीन और श्रम की पर्याप्त प्रचुरता है, जो किसी उद्योग धंधे को खोलने के लिए अति आवश्यक होती है। हमारे यहाँ संजय गांधी ताप विद्युत गृह के रूप में प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है, उसकी एक अतिरिक्त इकाई लगाई जा सकती है। साथ ही प्लांट से निकलने वाली फ्लाई ऐश से फ्लाई ऐश ब्रिक्स और सीमेंट उद्योग लगाए जा सकते हैं। उसी प्रकार हमारे यहाँ वन आच्छादित क्षेत्र होने के कारण बेंत की अधिकता है, बेंत से टोकरियां, फर्नीचर आदि बनाने का उद्योग भी लगाया जा सकता है। साथ ही उमरिया जिले अंतर्गत स्थित चंदिया की सुराही पूरे देश में प्रसिद्ध है, इसलिए मिट्टी के कारखाने, चीनी मिट्टी के कारखाने के माध्यम से कारीगरों को अपनी कलाकृतियां बनाकर मिट्टी के खिलौने, सुराही, मटके बनाकर बेचने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी प्रतिभा में भी निखार आएगा। इस प्रकार से एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया, जिसमें माननीय मंत्री महोदय द्वारा मृगनयनी भोपाल में उमरिया जिले के लिए 2 दुकानें आरक्षित करने की बात की गई, जिसमें उमरिया जिले में निर्मित उत्पादों को बेचा जाएगा। साथ ही ग्वालियर व्यापार मेला जो अगले माह आरंभ हो रहा है, उसमें भी उमरिया जिले को प्रतिनिधित्व मिलेगा और शासन स्तर पर इन सारी मांगों पर विचार करते हुए प्रस्ताव भेजा जाएगा और शीघ्र इनमें कोई कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।